हेलो दोस्तों, ये है मेरे पास सैमसंग का J1 जिसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। आज दो तरीके से आपको बताऊंगा कि मोबाइल की चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि यह चार्जिंग उठा रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर चार्जर को कनेक्ट कर लिया है। देखिए, चार्जर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने 20 की रेंज पे रखा हुआ है और यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ। यहाँ पर भले आप माइनस में लगाएं, ग्राउंड पर लगाएं, बात एक ही है। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है, 0.2120 के आसपास आ रही है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 4 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए, 3 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए और हमें इतनी कम वोल्ट इसमें मिल रही है। तो मैं सैमसंग के इस मोबाइल को चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है कोई भी हमें चार्जिंग का वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर उस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरे तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक पतली सी सुई ले लेनी है और यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग का पोर्ट रहता है, अगर ये जैक की समस्या है तो होता क्या है, इसमें असल में इसमें धूल भर जाती है। तो धूल वगैरह इसमें से कोई भी धूल वगैरह नहीं है और यहाँ पर इसके, अब यहाँ पर तो मैं आपको कैसे दिखाऊं कि इसके अंदर जो पॉइंट है कैसे दिखेंगे, लेकिन जो इसके यहाँ पर सबसे लास्ट और इस तरफ सबसे लास्ट में जो पॉइंट होता है उसको थोड़ा आपने क्लीन कर लेना है। असल में होता क्या है, इसमें कभी कभी इसमें कार्बन वगैरह लग जाता है, इस वजह से भी इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से आपने करना है। तो अगर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर जैक टूटा है तो आपको जैक नया डालना पड़ेगा। जैक कभी कभी होता क्या है, जैक बिल्कुल ओके कंडीशन में दिखता है और इसमें कार्बन वगैरह ज़्यादा ही आ जाता है। इसको बिना क्लीन किए हम इसको अगर चलाते हैं तो फिर भी हमारा सॉल्व नहीं होता है, पूरे जैक को ही चेंज करना पड़ता है। फिलहाल अभी मैंने इसको जैक को साफ़ कर लिया है और अब इसमें मैं इसमें कनेक्ट करके देखता हूँ कि अब इसमें कोई इम्प्रूव हुआ कि नहीं। तो मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इसको मैंने इसको ग्राउंड कर लेना है। तो ग्राउंड करने के बाद अब देखें, इसको मैंने प्लस में लगा लिया है तो यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं जैक हिला के भी देखूंगा। तो यहाँ पर अगर जैक हिला के भी कोई हमें रीडिंग वगैरह शो करती है तो फिर जैक को ही चेंज करना पड़ेगा। वैसे जैक की ही प्रॉब्लम ज़्यादातर आती हैं। तो सबसे पहले इसमें इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर लिया है। चलिए इसको मैं यहाँ पर फंसा लेता हूँ और इसको अच्छी तरह फंसा लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फंसा लिया और जैक को मैं इस तरीके से हिला रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। अब मोबाइल को क्या करना, हमने खोल के इसके जैक को, जैक के अंदर के पॉइंट में रीडिंग चेक करनी है। तो चलिए फिर सबसे पहले करना क्या है, इसको सारे इसके स्क्रू वगैरह खोल लेने हैं। मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसको उतारने के लिए जो सैमसंग का J1 है वो आसानी से खुल जाता है, तो बाकी J2, J3 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से इसको उतार के हम अलग कर लेते हैं। बाहर का ये जो इसका जो इस तरीके का कवर है ये उतर जाता है। तो इस तरीके से इसको उतारने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए इसको इस तरीके से खोल लेना है। तो ये खुल चुका है आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा। अब ये वाले हिस्से को हमने उतारना है। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट लोग हैं उसको खोलने के लिए नॉर्मली तरीके से खोल लेते हैं, इस तरीके से उतार के खोल लेते हैं। जो एक्सपर्ट नहीं है वे SMD मशीन से या हॉट गन से इसके टच और डिस्प्ले को बाहर उतार लीजिए और उसके बाद क्या है, इसको इसके PCB को, मेन PCB को खोलिएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपर्ट तो अपने आप को नहीं कहूँगा लेकिन मैं SMD मशीन से ही उतारूँगा क्योंकि SMD मशीन से सेफ वर्क हमारा होता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऑन और यहाँ पर मैं हीटर और एयर के कॉम्बिनेशन को रख लेता हूँ। एयर को आप रखिएगा 3 से 4 पे और हीटर को रखिएगा आप 400 से 350 के आसपास में रख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी एयर अगर ज़्यादा होती है तो फिर हीटर उतना खास काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको कर लिया है। अब हमने करना क्या है इसको, हाँ सबसे पहले पीछे के ढक्कन को आप उतार लीजिएगा। और जो ये वाला ढक्कन है देखिए, इस ढक्कन को आपने उतार लेना है और यहाँ पर इस जो आपने ये कनेक्टर दिख रहा है इसको भी इस तरीके से बाहर को कर लेना है। देखिए इस तरीके से,
तो अब इसको आप चारों तरफ से गर्म कीजिए और धीरे धीरे इसको ऊपर उठा लीजिएगा। तो यहाँ पर हॉट होना शुरू हो गया है। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे ज़्यादा हीटर का प्रेशर आप मत दीजिए, यहाँ पर एयर पीस रहता है वो जलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको इस तरीके से गर्म कर लीजिए। तो यहाँ पे भी गर्म अपने करना होगा। यहाँ पे कुछ हमारा क्या है कि लिक्विड सा रहता है और यहाँ पे चिपका रहता है, तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा गर्म मत कीजिए। तो इस तरीके से चारों तरफ से आप गर्म करेंगे तो जो ग्लू ऑलरेडी इसमें होगा वो ढीला हो जाएगा और आप इसको इजीली उतार सकते हैं। तो इस तरीके से गर्म करने के बाद धीरे धीरे से आप इसको साइड से उठाएंगे। चलिए मैं पहले इसको प्रॉपर हीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा हीट मत दीजिए, ज़्यादा हीट देने से आपकी डिस्प्ले में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको हीट हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर उठाऊँगा। तो यहाँ पर तो प्रॉपर हीट देने के बाद ही इसको उठाइएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर गर्म करना है, फिर इसको धीरे धीरे से उठा लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कोशिश देखिए, इस तरीके से गर्म किया, देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसको गर्म कर लिया और इस तरीके से इसको धीरे धीरे यहाँ पर उठाना है। देखिए इस तरीके से, तो हीट करें फिर इसको ऊपर को उठा लें। दोस्तों मेरे दोनों हाथ बिजी हो जाएंगे इसलिए मैं आपको वीडियो कट करके ही दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से यह खुल गया। धीरे धीरे इसको यहाँ पर भी हीट करके, इसके टॉप पोर्शन को हीट करके इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये निकल चुका है। अब हमने काम मदरबोर्ड पे करना है। इस तरीके से मदरबोर्ड हमारा आ चुका है, अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब करना क्या है, यहाँ पर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है मीटर मैंने ऑलरेडी घर पे ही बनाया हुआ है। तो अगर आप इसकी बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या इंडी स्क्रीन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओके कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी बैटरी ऑलरेडी लो थी तो मैं इसके द्वारा इसको चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैं पावर बटन को दबा देता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि इसको सबसे पहले, हाँ ये ऑन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादातर होता क्या है कि जो लोग अनट्रेंड होते हैं और शुरू शुरू में सैमसंग के ये जे सीरीज़ के मोबाइल होते हैं उनको खोलने की कोशिश करते, तो ज़्यादातर डिस्प्ले और टच टूटने के इसमें चांसेस रहते हैं। हाँ, हीट करने के बाद ही इसको आप उठाइएगा, उसके बाद ही आप, ज़्यादातर वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हीट नहीं करते तो वो जो है एक्सपर्ट होते हैं, उनको फॉलो मत कीजिए। अगर आप नए सीख रहे हैं तो आप पूरी तरीके से पूरी जानकारी लीजिए। तो मैं आपको ऐसी स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई टिप्स देता रहता हूँ, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब करना क्या, हमने यहाँ पर इस जैक को, सबसे पहले तो इस मदरबोर्ड को हमने उतार लेना है, उसके बाद जैक पर हमने जाना है। चलिए मैं मदरबोर्ड को उतार लेता हूँ। इस सॉकेट को हटाना है और ये वाले सॉकेट को हटाना है, कैमरे के सॉकेट को। और यहाँ पर कुछ स्क्रू अगर हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाले सॉकेट को भी और इसको सारे सॉकेट हटा के इसको मैं मदरबोर्ड को निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस मदरबोर्ड को निकाल चुका हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो जैक के पीछे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा इसमें कार्बन लगी हुई है। तो यहाँ पर आप अगर आपको दिख रहा है तो फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कार्बन जैक के पीछे कितना लगा हुआ है। तो जैक ये थोड़ा सा स्पेशल वाला है, सैमसंग के सारे जैक ब्रांडेड आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा जैक है, उसी को यहाँ पर फिक्स करेंगे। सैमसंग का जैक नहीं है तो उसी को हम फिक्स करेंगे। इसको अब निकालने की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको मैं रखता हूँ साइड पे। सबसे पहले इसकी मैं टेस्टिंग करूँगा और इसके बाद निकालने की प्रोसेस आपको बताऊँगा। तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप इसको सफाई करके, इस सफाई करने के लिए आप इस क्लीनर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लीनर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको आप ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता आ जाता है, 50-60 रुपए का ही आपको पूरी बॉटल मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको अब क्लीन कर लेता हूँ एक ब्रश के द्वारा। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये क्लीन हो चुका है। अब करना क्या है, यहाँ पर हमने इसको देखना है कि इसमें वायर वगैरह तो पूरी ओके है, फिर भी हमने इसको कनेक्ट करके चेक करना है। तो यहाँ पर मैं इसको चार्जर को कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए मैं चार्जर को कनेक्ट कर चुका हूँ और इसकी टेस्टिंग हम करते हैं। तो मल्टीमीटर को रख लेते हैं हम 20 की रेंज पे। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले इसको मैंने कर लेना है ग्राउंड।
ग्राउंड तो सारे जितने भी पट्टियाँ सारी ग्राउंड की हैं, तो इनको ग्राउंड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और यहाँ पर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर मुझे कोई भी वोल्ट नहीं मिल रही है, तो लगभग जैक की ही दिक्कत मुझे लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर अगर जैक की दिक्कत आती है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रीडिंग शो नहीं होती है। अगर रीडिंग शो होती है तो फिर आगे आईसी वाईसी की दिक्कत हो सकती है, तो आईसी की प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इस वीडियो में आपको आईसी की नहीं बताऊँगा, जैक उतारने का तरीका आपको बता दूँगा। तो जैक उतारने का तरीका, सबसे पहले जैक को मैं एक अपने होममेड पीसीबी स्टैंड पे लगा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैक मैंने इस तरीके से फंसा लिया है, शायद आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। आप इसमें पेस्ट वगैरह लगा लेते हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों किनारों में पेस्ट लगा लूँगा, इस किनारे में और इस किनारे में, और थोड़ा सा बीच में भी पेस्ट लगा लेना है। जहाँ जहाँ पर इसके जॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने पेस्ट कर लेना है। दोस्तों अब क्या करना है, एस एम डी मशीन की मदद से इसको हम जैक को उतारेंगे। चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, हीटर और एयर की कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। हीटर और एयर की जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं फोकस करके आपको दिखा दूँ। एयर की लगभग यहाँ पर आप 3.5 से 4 के बीच में रख सकते हैं, और यहाँ पर हीटर की मैं 350 से 400 के बीच में रख लेता हूँ। चलिए आपको यहाँ पर फोकस करके मैं अब दिखा देता हूँ तो किस तरीके से हमने जैक को उतारना है। यहाँ पर हीट प्रॉपर हीट बन रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मैं हीट कर लेता हूँ और जैक को उतारने की प्रोसेस स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखते हैं कितनी देर में हमारा जैक निकाल के बाहर आ जाता है। तो सैमसंग में थोड़ा सा क्या है कि अच्छी खासी सोल्डरिंग होती है, जैक को उतरने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो सैमसंग में आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अगर आपके पास अच्छी खासी SMD मशीन है तो उससे और जल्दी निकल जा के बाहर को आ जाता है। तो उस SMD मशीन का भी अच्छा खासा होना ज़रूरी है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कितनी देर में निकल के बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर हीट देनी है, और हाँ पेस्ट वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि इससे पेस्ट लगाने से क्या है कि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। तो देखते हैं कितनी देर में यह निकल के बाहर आ जाता है। तो जैक ढीला होने लग गया है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जैक उतर के बाहर आ चुका है, और इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, जितने भी यहाँ पर आपको होल्स दिखा दे रहे हैं इनको भी क्लीन कर लीजिए। तो चलिए इसको मैं SMD मशीन को ऑफ़ कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए मशीन ऑफ़ हो चुकी है और जैक अच्छी तरीके से बाहर निकल के आ चुका है। देखिए एक ट्रेंड मैकेनिक जो होता है उसके पास पेशेंस होना चाहिए, जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो आपकी PCB डैमेज हो सकती है, यहाँ पर ट्रैक वर्क कट सकते हैं। तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पेशेंस कोई काम करते हैं तो आपका काम 100% सक्सेसफुल होगा, वरना आप एक अनसक्सेसफुल और अनट्रेंड मैकेनिक कहलाओगे। तो इस तरीके से यह काम हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर इसको आप क्लीन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लीन वगैरह करके जैक फिट करने पर ही आपको डायरेक्टली ले जाता हूँ। तो दोस्तों ये क्लीन हो चुका है, अभी इसमें क्या है कि प्लस और माइनस कौन सा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों वाले माइनस के हैं, मतलब यहाँ पे ग्राउंड और ये दोनों ग्राउंड के हैं। और जो प्लस का रहेगा हमारा, प्लस का चलिए मैं बताता हूँ प्लस का कौन सा है, ये इस तरफ से राइट साइड से ये वाला दूसरा वाला, राइट साइड से पहला छोड़ के दूसरा वाला हमारा है प्लस का। तो फिर आपको मैं क्लियर बता दूं, यहाँ से राइट साइड से दूसरे नंबर का है प्लस का, और इस तरफ से है पहला और दूसरा, दोनों है ग्राउंड के, ये प्लस का और ये ग्राउंड का। अब अगर यहाँ पर ये अगर प्लस का टूट जाता है तो आप प्लस का कहाँ से लेंगे, इसको डायरेक्टली हम पीछे इस तरफ से देखेंगे। तो यहाँ पर जस्ट आप देखेंगे ये है चार्जिंग IC, ये देखिए ये है चार्जिंग IC, और इसके जस्ट बगल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके ये वाले पोर्शन में हम नीचे वाला ग्राउंड का होगा, इस पोर्शन से हम प्लस का ले सकते हैं। कब, जब आपका यहाँ पर ये ट्रैक कट जाता है या उखड़ जाता है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे यहाँ से डायरेक्ट उठा के यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इतना आपने समझ लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास सैमसंग का चार्जिंग कनेक्टर नहीं है, इसकी जगह मैं कोई दूसरा वाला यहाँ पर फिक्स करूँगा, लेकिन अच्छी तरीके से फिक्स करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली किसी भी कॉमन एंड्रॉयड का ही है। तो यहाँ पर यहाँ से आपको बताया था दूसरे नंबर वाला, और यहाँ से लास्ट के दो ग्राउंड के हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मैं फिक्स करता हूँ और उसके बाद इसमें सोल्डर वगैरह कर लूँगा, लेकिन अच्छी तरीके से करना है, आप कोई टेम्प्रेरी वर्क ना करें। तो इससे ऐसा है कि टेम्प्रेरी वर्क करेंगे तो आपके लिए भी जो है काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर गलत वायर अगर जुड़ गई तो हो सकता है चार्जिंग आईसी वगैरह डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे खांचे में फंसा लिया, देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके मैं दिखाता हूँ, तो ये वाला है इसके जो लेग्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे दोनों खांचों में इस तरीके से फंसा लिया। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, इनको खांचे में फंसाने के लिए आप नॉर्मली इनको इस लेग्स का यहाँ पर इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो पुराना वाला जैक है आप उसको क्लियर करके देख लीजिए कि वो जो है कितना आगे को आ रहा है, जितना पीछे को जा रहा है, इस तरीके से इसको फिक्स, अगर आप इसको आड़ा तिरछा अगर फिक्स करते हैं नए वाले को, तो यहाँ पर आपके पास जो ये बॉडी है उसमें बाहर पे यह दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से फिक्स कीजिए, ताकि यह बॉडी में भी न लगे और ऊपर नीचे कहीं भी दिक्कत ना करें। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको फिक्स कर लेना है और अच्छी तरह चेक कर लीजिए कि कहीं पर दिक्कत तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें यहाँ पर इसके जो बेस के लेग्स हैं उनको फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट लगा के इस जैक को, जो इस जैक की बेस हैं उनको अच्छी तरीके से फिक्स कर लूँगा। तो यहाँ पर पेस्ट भी लगा लिया है। अब जैक की जो लेग्स हैं, जो बेस की लेग हैं, उनको मैं फिक्स कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें रंगे का यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, अगर ज़्यादा करेंगे तो यहाँ वहाँ फैल सकता है। तो इन्हीं बातों का आपने यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो अच्छे जैक का इस्तेमाल कीजिए, और अगर बेकार जैक का आप इस्तेमाल करते हैं तो बार बार वो खुल जाएगा, टूट जाएगा, तो उसमें दिक्कतें और भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसकी बेस को इस तरीके से फिक्स कर लेना है। अब बारी आती है इसकी जो मेन वायर के है कनेक्शन की। तो कनेक्शन यहाँ पर आपको बताया था, जो ये वाला इस तरफ लास्ट है उसको दूसरे नंबर पे, और यहाँ है लास्ट के दो हैं, ये हैं आपके ग्राउंड के, इनको मैं जल्दी से फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से इसके चार्जिंग जैक को मैंने अच्छी तरीके से बैठा लिया, अब आपको दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है एक सिंगल प्लस का जोड़ा हुआ है, और सॉरी एक ग्राउंड का, यहाँ पर दो मिला के एक ग्राउंड का यहाँ पर दे दिया, और प्लस का यहाँ से दूसरे नंबर का जो है प्लस का दे दिया। तो ये तो आपने देख लिया। अब बात आती है यूएसबी की, तो ये तीन जो है यहाँ पर तीन लेग जो बची उनको आप यूएसबी में इसको सोल्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से यह लग चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यह लग चुका है। इसको अगर छोटा अगर इधर उधर होता है तो इसको आप हाथ से जो है सेट कर लीजिए। तो दोस्तों इतना करने के बाद इस मदरबोर्ड को हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो चलिए अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, और इसके सारे कनेक्टर मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। चलिए जल्दी से मैं इसको जोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारे प्लग वगैरह यहाँ पर लगा लिए हैं, अब चाहें तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, फिर इसको मैं पैक वगैरह कर लूँगा, ताकि इसमें कोई दिक्कत वगैरह हो तो सॉल्व हो सकती है। पैकिंग के बाद दोबारा हमें खोलना पड़ेगा, कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। तो इसमें मैंने चार्जिंग कनेक्टर को मैं यहाँ पर सॉरी चार्जिंग चार्जर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को रख लिया है 20 की रेंज पे। इसको मैं कर लेता हूँ ग्राउंड, और यहाँ पर पहली लेग में यहाँ पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर वोल्टेज हमें बिल्कुल ओके मिल रही है। इसका मतलब हमारा चार्जिंग जैक सक्सेसफुल तरीके से बन चुका है। अब करते हैं इसकी पैकिंग। आज आपको पूरी तरीके से मैं खोल के और पैक करना भी सिखाऊंगा। तो पैक करने का जो तरीका है सिंपल ही है, वो कोई ज़्यादा कठिन वठिन है नहीं। तो इस तरीके से आप इसको पैक कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे आपने इसको उतारा था उस तरीके से पैक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से आप इसको फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करने के बाद इसको पैक करने का जो तरीका है थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, लेकिन बिल्कुल ओके तरीके से पैक करने के लिए आपको इसको इसी तरीके से आपको प्रॉपर यहाँ पर दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यह इजीली पैक हो चुका है। अब यहाँ पर जो चार्जिंग का जैक है इसको आप यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने हाथ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ओके यहाँ लग चुका है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें बैटरी को लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसकी बैटरी मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा चुका हूँ, और डिस्प्ले का कनेक्टर भी ओके लग चुका है। अब मैं यहाँ पर चार्जर को यहाँ पे लगाऊंगा।
तो देखिए चार्जर भी हमारा लग चुका है। आप देख सकते हैं कुछ देर बाद यहाँ पर बैटरी को उठाएगा या तो यह ऑन हो चुका है और हमारा काम सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।